गुड मॉर्निंग, दिस इज़ अनूप फ्रॉम गोग्रीन विद सिद्धीज। आज का मैं प्लांट ले रहा हूँ स्नेक प्लांट, इसे हम लोग सेंसिवेरिया भी बोलते हैंगे और स्नेक प्लांट के नाम से भी ये बहुत फेमस हैगा। और इसका एक नाम है मदर इन लॉस टंग, तो कई नामों से पुकारा जाता है। जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में जैसे जैसे बोलचाल होती है उस हिसाब से नाम भी कई दफ़े बदल जाते हैं। ऐसे मोस्ट पॉपुलर नेम जिसका है वो हैगा स्नेक प्लांट। ये बहुत ही अच्छा प्लांट हैगा, मस्ट हैविंग प्लांट सीरीज में आ जाएगा ये, जो हमारे घर में होना ही चाहिए और बहुत सारे घरों में होगा भी ये प्लांट, है ना। हमें इसके शायद गुण का पता ही नहीं होगा ये कितना गुणकारी है, कितना फ़ायदेमंद है। ये एक ऐसा प्लांट है जो कि सिर्फ नासा से अप्रूव्ड है कि इसको हम कहीं भी कभी भी लगा सकते हैंगे, है ना। ये 24 आवर जो है ये ऑक्सीजन जो है वो रिपेल करता है, निकालता है, ऑक्सीजन देता है हमें। तो जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन दे सकता हैगा और जिससे हम इंडोर में रख सकते हैंगे, तो समझिए कितने अच्छा होगा हमारे लिए। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए, सॉइल, क्योंकि ये ना एक ही सकुलेंट वेराइटी का पौधा है ये। तो जो सकुलेंट वैरायटी के पौधे होते हैं उनमें ऑलमोस्ट हम लोग जो हैं वेल ड्रेन्ड सॉइल ही रखते हैं। वेल ड्रेन्ड सॉइल से मतलब है जिसमें पानी ना रुके ज़्यादा देर तक, है ना। तो उसमें पानी निकल जाना चाहिए या थोड़ा पानी हम लोग देंगे, कोशिश करेंगे हम ज़्यादा पानी इसको नहीं देंगे, थोड़ा पानी ही देंगे इसको। और जो वेल ड्रेन्ड सॉइल होगी उसमें हम 1/3 पार्ट लेते हैं सैंड का, 1/3 गार्डन सॉइल एंड 1/3 जो लेते हैं वो वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट, और 10% में हम लोग नीम खली और थोड़ी सी कुछ और जो है वो डाल देते हैंगे। इस प्रकार से सॉइल हम वेल ड्रेन बना लेते हैंगे। इसके बाद जो है हम इसके वॉशिंग पर आते हैं, क्योंकि सकुलेंट वैरायटी का पौधा है तो वॉशिंग भी इसमें कम ही चाहिए। पानी इसको 1 वीक हम दे देंगे तो भी चलेगा, ज़्यादा पानी से पौधा ये ख़राब हो सकता है, पर पानी कम देंगे तो ये खुश रहेगा और अच्छे से प्रोपोगेट होगा। इसके बाद जो है अब आते हैं इसकी सनलाइट पर। सनलाइट में हम इनको देखेंगे कि हर तरीके की कंडीशन में ये रह लेता हैगा। बहुत तेज़ धूप होगी तो भी रह लेगा और कम धूप होगी तो भी रह लेगा, इनडोर में रखेंगे तो भी रह लेगा, लाइट नहीं होगी तो भी रह लेगा। बहुत हार्डी प्लांट है ये, पर जो इसे पसंद है वो सेमी शेड पसंद है, बहुत तेज़ धूप इसे पसंद नहीं है। बहुत तेज़ धूप रखेंगे इसके लिए अगर, तो क्या होगा कि इसमें कुछ ना कुछ ख़राबी होगी, कलर इसका उड़ जाएगा, वो कलर नहीं रहेगा। इसके अलावा जो है ये खुश नहीं रहेगा पौधा। पर सेमी शेड में रखेंगे या इंडोर में रखेंगे तो ये बहुत अच्छा हैगा। इंडोर में रखने का मतलब है कि जैसे हमने 1 हफ्ते इसको अंदर रखा हैगा, तो उसके बाद 1 हफ्ते बाद बाहर भी रख देंगे इसको। अब बाहर से रखने मतलब ये कि अब मई जून की गर्मियाँ होंगी तो इतनी तेज़ धूप नहीं रखेंगे, शेडिड एरिया में रखेंगे इनडायरेक्ट सनलाइट में, तो ये बहुत अच्छे से चलेगा। इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत हार्ड हैं तो किसी भी कंडीशंस में ये रह लेता है, कहीं भी रह लेगा ये, बहुत आराम से रहता है। बहुत ठंडे इलाके में भी हो जाता है, बहुत गर्म इलाकों में भी हो जाता है। तो कोई ऐसी इसके लिए कंडीशंस नहीं है कि कैसा इसको वो चाहिए। एसी वाले कमरे में भी रह लेगा, नॉन एसी वाले में भी रह लेगा, बाहर भी रह लेगा, अंदर भी रह लेगा। आप इसको कहीं भी रखेंगे, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दुकान में, बेडरूम में, इट विल बी हैप्पी एट देयर आल्सो। अब इसकी प्रोपोगेशन पे आते हैंगे। अब इसकी प्रोपोगेशन जैसे आप ये देखिए, मैंने ये बनाया हुआ है, ये मैंने सिर्फ एक इसकी वो ली थी, एक पौधा लिया है जो पीछे बड़ी बड़ी पत्तियाँ लगी हैं ना, तो उसमें से एक पौधे से ही मैंने देखिए 5 पत्तियाँ निकाल ली थी और 5ों को मैंने अलग अलग लगाया हुआ है। अब ये कितना सुंदर लग रहा है। अब हम जो पौधा लगाए वो सुंदर भी तो दिखना चाहिए ना, और उसके बाद हम इसको पत्ती से तोड़ के भी लगा सकते हैंगे। अब जैसे पत्ती टुकड़े से तोड़ के लगा दिया हमने, ये एक पत्ती बड़ी वाली ले ली, उससे 4-5 टुकड़े कर लिए, इसको लगा देंगे तो भी ये हो जाएगा। इसके प्रोपोगेशन का मैं वीडियो आपको अलग बना के डाल दूंगा, जिससे आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा उसके बारे में। और आते हैं अब इसके बेनिफिट्स के ऊपर। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि नासा अप्रूव्ड प्लांट है, तो नेचुरली बहुत ही बेनिफिशियल हैगा।
इसके जो मैं आपको गुण बताऊं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर भी मैं बताता हूं अभी। इसके लिए जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये कि हवा को तो शुद्ध करते ही हैगा, इसके बाद इसको इंडोर आउटडोर बेडरूम बगीचे में आउटडोर। अच्छा एक चीज़ और है कि रात में हमारा जो है ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देता है। नासा ने ऐसा बताया हुआ है कि जैसे कि 2000 स्क्वायर फुट का हमारा घर है तो उसमें करीबन 20 प्लांट्स हमको रिकमेंड होंगे। अब मालूम पड़ा हमारा बेडरूम बड़ा है, हमने एक छोटा सा पौधा लगा दिया है, तो छोटा पौधा लगाएंगे फ़ायदा तो करेगा बट पूरा फ़ायदा नहीं हो पाएगा क्योंकि कम है। तो उसमें 3-4 प्लांट हम लगा रहे हैं, जैसे एक ये प्लांट है तो 3-4 प्लांट इसमें हम लगा देंगे। या फिर जैसे मैंने ये ट्रे बनाई हुई है, अब ये एक ट्रे एक बेड के लिए सफिशेंट है, तो ये एक मैंने बेडरूम में रख दी तो बहुत सुंदर भी लगेगा, एक स्टाइल भी आ गया इसमें और हमारे जो लेवल चाहिए हमको ऑक्सीजन का वो पूरा हो जाएगा। अब ये बहुत अच्छा प्लांट है क्योंकि 24 आवर ही हमें ऑक्सीजन दे रहा है, तो जिन लोगों को एलर्जी है उनके रूम में उनके ऑफिस में अगर हम ये लगा देंगे तो उनको इससे अवश्य फ़ायदा होगा। एकदम से तो फ़ायदा नहीं होगा बट इट विल टेक टाइम। अस्थमा पेशेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा करेगा क्योंकि उनको भी ये प्रॉब्लम होती है सांस की, तो जब उनको ऑक्सीजन मिलेगी तो उनको फ़ायदा करेगा। ये नहीं कि टोटल रेमेडी हो गई, अब दवाई लेना बंद कर दें कुछ कर दें पौधा लगा कर हम बैठ जाएंगे, ये नहीं करना है। बट पौधा भी लगा लेंगे तो हमको कुछ ज़्यादा जल्दी फ़ायदा हो सकता है। और अकॉर्डिंग टू फेंग शुई ये बहुत लकी प्लांट है आपके घर के लिए, ऑफिस के लिए, वर्क प्लेस के लिए, बिजनेस के लिए बहुत लकी प्लांट है, तो भी इसे हम घर में लगा लें। और जो लगाने की इसकी दिशाएं हैं ना, वो साउदर्न दिशा है, ईस्टर्न दिशा है या साउथ ईस्टर्न दिशा है, इन तीन दिशाओं में लगाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा हमको होगा। दिस मेक्स इट अ परफेक्ट पिक फॉर योर होम, फॉर योर ऑफिस, फॉर योर कलेक्शन ऑल्सो। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। हैव अ गुड डे, बाय।